मैं बचपन में एक वीडियो बनाया राम सीता के बारे में, मैं अबूधाबी में बनाया हुआ, मैं जानता हूँ। बचपना दिखा रहे हैं हमें, बचपना में क्या करूँ मैं आपका, बचपना तो आप कार्टून बनाओ। टीजर देखे मेरा दिमाग घूम गया और दो दिन तक मैं सोया भी नहीं। इनका स्टारडम खतरे में है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 16 जून को इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म रिलीज हुई, नाम है उसका आदि पुरुष। टी सीरीज का प्रोडक्शन था, भूषण कुमार जी ने बहुत महंगी फिल्म बनाई एंड पहले 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बम्पर आया। हमारे साथ में बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे, हमद अल रियामी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी स्ट्रेट फ्रॉम UAE। थैंक यू सो मच सर। मैं जानना चाहूँगा वहाँ का आपका एक्सपीरियंस। UAE में भी ये फिल्म लगी थी, वर्ल्ड वाइड लगी थी, पैन इंडिया फिल्म थी ये। प्रभास सबसे बड़े सुपरस्टार कह सकते हैं हम इंडिया के एंड उनके साथ में कृति सनन, आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये फिल्म देखने का? पहले तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा। पहला टीजर जब मैंने देखा, फर्स्ट टीजर मैं देखा था, एक शहर मुल्क है जुर्दन, वहाँ पर मुझे बुलाया गया था कुछ फंक्शन के लिए। तो टीजर आ गया आदि पुरुष, तो वही वहाँ से फंक्शन से निकल के वो टीज़र का रिव्यू किया मैंने, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म जैसे आपने बताया और बर्बास और कई लोग है, इतनी महंगी फिल्म है। तो वो टीज़र देखे मेरा दिमाग घूम गया और दो दिन तक मैं सोया भी नहीं। क्या टीज़र बनाया आपने, कार्टून है शे वगैरह, तो ये सब बात चलती रही। तो बाद में जो फैसला आया रावत का कि मैं फिल्म को और ज़्यादा पोस्टपोन करूँगा ताकि इसमें कुछ अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे स्पेशल इफेक्ट बनाने हैं, तो मैं खुश हो गया। मैं बोला 6 महीने लिए तो मैं खुश हो गया। और जब पहला पोस्टर आया, मोशन पोस्टर अच्छा लग रहा था, और जब ट्रेलर आया तो सच में बताऊँ ट्रेलर से मुझे लग गया कि फिल्म में कुछ गलत होने वाला है या ऐसी फिल्म बनेगी जो किसी को, ज़्यादातर लोग को पसंद भी नहीं आएंगी। तो ये दूसरा ट्रेलर भी जब आया और ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, ये क्या बनाया आपने। तो मैं बोला कोई बात नहीं, फिर भी देख लेंगे फिल्म, अगर हमारे पास रिलीज नहीं हो जाए, नहीं होंगे, क्योंकि ये कभी भी तय होता है अगर रिलीजन के बारे में अगर कोई गलत अनाप शनाप तो रिलीज नहीं होते। लेकिन फिर भी रिलीज हुई हमारे पास और भाई बहुत लोग आए सिनेमा घर पर, बच्चे भी आए, टिकट नहीं मिल रही थी, तो मैं गया देखने के लिए फिल्म, मुझे टिकट मिल गई आराम से। तो सच में बताऊँ 5 मिनट के अंदर 6 मिनट के अंदर मैं निकल गया सिनेमा घर से। ओह माय गॉड सर, वो सीन, वो सीन फिर से दोहराया गया जो टीज़र में था। मैं बोला कौन सी बात आपने की है। तो मैं बोला मैं बैठूँगा और मैं आपके चैनल का रिव्यू देखूँगा और कुछ और चैनल्स के रिव्यू देखूँगा। तो इतने रिव्यूज़ में नेगेटिविटी 99% थी, ज़्यादातर पब्लिक रिव्यू या फिर लोग जो 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 भी क्रिटिक हो या रिव्यूअर हो या पब्लिक आम जनता, सब ने ज़्यादातर 90% 99% फिल्म को बछाड़ दिया, बोलिए फिल्म बकवास फिल्म है, इसमें कुछ माने नहीं। मैं बोला अरे क्या हो गया, बर्बास जो बाहुबली में पार्ट 1 पार्ट 2 में इतना ज़्यादा छा गए, उसके बाद उनकी जो फिल्म आयशा और राधे श्याम, और अब ये इनके स्टारडम पर क्या हो जाएगा, इनका स्टारडम खतरे में है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। शायद सोलर उनको लेकर, लेकिन वो अल्लू अर्जुन अर्जुन के सामने आए भी आ नहीं सकते, या वो क्या नाम रामचरण के सामने आ नहीं सकते, एंटी जूनियर के सामने आ नहीं सकते, क्योंकि वो लोग एक्शन डायरेक्शन और एक्टिंग में अलग रुतबा है, ये वही एक्टिंग कर रहे हैं और वही उनका जो पोज है। मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया भरबास, वो ही इज़ वेरी जेंटल एंड ही इज़ वेरी जूनियर, वेरी गुड मैन, एंड आई होप दैट ही विल मेक गुड मूवीज़। ये आपने ऐसा कैसे चुन लिया ये स्क्रिप्ट, पता है महाभारत या फिर राम सीता की कथा है और हम सब जानते हैं वो, हम भी सुने हैं। मैं बचपन में एक वीडियो बनाया, सीरियल वीडियो, छोटा वीडियो बनाया 2 घंटे का, मैं डायरेक्टर था, मैं कैमरा मैन था, उसमें मैं छोटा बच्चा भी था 12 साल का, राम सीता के बारे में मैं अबूधाबी में बनाया हुआ, मैं जानता हूँ वो सब जानता हूँ स्टोरी, लेकिन आपने ऐसा अनाप शनाप बना दिया और डायलॉग्स में गलतियाँ बहुत की। अगर कोई इस्लाम के बारे में एक फिल्म बनाएंगे उसमें आप बोलेंगे अपुन शपुन या टपोरी ये वगैरह, चलेगा नहीं हमारे पास ये बात, बोलेंगे गलत का, इसके बाप या, का, तेरी चलेगी, या रिलीजन में अगर आप ये ठोस देंगे ठीक है, आप कार्टून बनाएंगे बच्चों के लिए ठीक है वो समझ में आएगा, लेकिन एक बड़ी फिल्म बनाएंगे और सारी जनता देखेंगे, अलग अलग मुख्तलिफ लोग देखेंगे, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग देखेंगे, बड़े बुजुर्ग देखेंगे, छोटे बच्चे देखेंगे, टीनेजर देखेंगे, जवान देखेंगे, तो ये आप जहन में डाल के डायलॉग लिखना, डायलॉग्स गलत और सीन्स गलत और उसमें गेटअप्स, आप सैफ अली खान को पता नहीं
ही इज गुड एक्टर बट उस खिलजी की तरह दिख रहे थे फिल्म के अंदर कभी वो क्या नाम है उनका जो माफिया में आते हैं लोग या वगैरह उनकी तरह लग रहे हैं ये कैसी बात हो गई इसमें कोई सही ढंग नहीं दिखाया था मुझे समझ में आ रहा कि वो बनाना चाहते एक ऐसी फिल्म जो कि हम बोले फैंटेसी मूवी फैंटेसी जैसे कि मार्वल बनाते हैं या फिर रिंग ऑफ क्या बोलते हैं वो फिल्म लॉर्ड ऑफ रिंग्स ठीक है वहाँ पर वो कि गल्पना स्टोरी है वो असली स्टोरी नहीं है आप एक असली स्टोरी को ऐसा बनाएंगे तो उसमें क्या मजा आएगा पूरे मेकर्स पे जब पब्लिक ने उंगलियाँ उठाई मतलब जैसे आपने कहा कि 99% लोगों को बिल्कुल पिक्चर पसंद नहीं आई 1% लोग थे जो मुझे भी मिले जिनको पिक्चर सो लगी ओके लगी अच्छी लगी लेकिन जब मेकर्स पे उंगलियां उठी तो मेकर्स जस्टिफिकेशन देने लग गए कि हमारी दादी नानी ऐसी फिल्में ऐसी कहानियां हमें सुनाती थी इसी तरह से हर इंसान का अपना नज़रिया है रामायण देखने का तो ये जस्टिफिकेशन को आप किस तरह देखते हैं सर अभी आप जब शोले बनाएंगे 75 में तो वही स्टोरी अगर 2023 में बनेंगी तो हिट होएंगी फिल्म या अच्छी रहेंगी पब्लिक की आज की जनरेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ वैसी बात नहीं जमेंगी पब्लिक को जो पब्लिक वो सुनती थी कहानियाँ दादा से या दादी से वो अलग बात है जब आप मैच्योर बन जाएंगे और स्टोरी पढ़ेंगे और स्कूल में जाएंगे कॉलेज में जाएंगे तब तो आपका जहन बदल जाएगा वो स्टोरी और वो जो झलकियाँ जो थी बचपने में वो बदल जाएंगी मैच्योर बन जाएंगे तो वो मैच्योरनेस आप दिखाई नहीं बचपना दिखा रहे हैं हमें बचपना में क्या करूं मैं आपका बचपना तो आप कार्टून बनाओ और टीवी में दिखाओ या कहीं चैनल में दिखाओ बच्चे देख लेंगे ऐसा समझ जाएंगे हम लेकिन बड़े लोग देखेंगे अलग अलग लोग देखेंगे तो ऐसी कैसी फिल्म बनेगी ये सीधी फिल्म नहीं बनी थी कुछ गलतियां थी उनकी और जो जो आपने कहा जस्टिफाई जो कर रहे थे हम ही सही है और पब्लिक गलत है ये बॉलीवुड का ये जो चलन है मुझे पसंद नहीं आता आप जाओ साउथ सिनेमा में जब गलती होती है तो बोलते मैंने गलती की चाहे वो राजा मौली भी हो वो बोलेंगे ऐसा हाथ जोड़ के बोलेंगे मैंने गलती की है मुझे माफ़ कीजिएगा अभी एक रिसेंट कोई फिल्म आई थी एजेंट उनके मेकर्स ने ट्वीट किया पब्लिक ट्वीट कि हमसे गलती हो गई हमारी फिल्म सही नहीं बनी एंड वी आर सॉरी फॉर द पब्लिक ये लोग गलती मानने को तैयार नहीं है ये बहुत बड़ी अजीब बात है भाई एक बार मैंने बस सुना था आमिर खान ने जब थग्स ऑफ हिंदुस्तान में अब जिम्मा ले लिया कि मेरी गलती है मैंने ये फिल्म साइन की है मुझे माफ़ कीजिएगा ये अच्छी बात थी लेकिन उनके बाद कोई भी गलती मानने को तैयार नहीं है सब बोलते हैं अरे ये फिल्म में कोरोना की वजह से फ्लॉप हो गई या पब्लिक को समझ में नहीं आई ये फिल्म आगे है ये फिल्म पता नहीं ये है वो है ये कब तक चलेगा ये आजकल की पब्लिक टिकटॉक में है इंस्टाग्राम में है हर सोशल मीडिया में हर कुछ ना कुछ देखती है और ज़्यादा उनका दिमाग बढ़ गया तो उनको समझ में आता है ये अच्छा है या गलत है ये सही है या सही नहीं ये बात हमें छू जाएंगे या नहीं छू जाएंगे ये बात उनको छू नहीं सकी तो इसलिए फिल्म बकवास है फ्लॉप भी हो गई। एब्सोल्युटली।